नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज हम बनाने जा रहे हैं माता के भोग के लिए काले चने। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, कैसे बनाना है इसको देखते हैं। ये मैंने कुक कर लिया है और ये काले चने रात भर मैंने भिगो कर रखे थे और सुबह इनका पानी निकाल दिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको हम कुकर में डाल देते हैं। अभी गैस मैंने ऑन नहीं की है और इसमें डालेंगे पानी। अब पानी का लेवल चनों में इतना ही होना चाहिए, जितने चने आपके कुकर में आए उसी के लेवल का आपने पानी रखना है, क्योंकि हमने ये सूखे बनाने हैं, गीली सब्जी नहीं बनानी। गीली बनानी हो तो पानी कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून ही डालेगा, ज़्यादा नहीं। ये 250 ग्राम चने हैं तो 250 ग्राम चनों में 1/4 टीस्पून। और ये बेकिंग सोडा है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, तो इससे चने आपके बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब लिड को बंद कर देंगे और फुल फ्लेम पर एक सीटी पहले आने देंगे। अब फुल फ्लेम पर एक सीटी आ गई है, गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कम से कम आप 3-4 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाइए, तो चने एकदम से सॉफ्ट बहुत अच्छे बनेंगे। फ्लेम को लो कर दीजिए और 3-4 मिनट बाद एक सीटी आ जाए तो इसको फिर गैस को बंद कर दीजिए। आप मसाला तैयार करेंगे तो मसाले में हल्दी डाली है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़े चटपटे से बनाने होते हैं इसलिए, और धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून और नमक है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि पहले चनों में डाला था तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको पानी डालकर हम इस मसाले को घोलेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि ये मसाला भी ड्राई है, थोड़ा सा और डालेंगे। क्योंकि देखिए माता के भोग में प्याज वगैरह तो यूज़ नहीं होता, तो हमने जीरे से ही देना है, तो इस तरह से इसका गाढ़ा हम घोल तैयार कर लेंगे। तो जीरे में अगर आप सूखा मसाला एकदम से डाल देंगे तो सारे मसाले जल जाएंगे। अब कुकर का प्रेशर निकल चुका है और चने देख लेते हैं हमारे, तो मीठा सोडा थोड़ा सा अगर डालते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम से पूरा का पूरा आराम से पिस जाता है चना। हाथ से अगर आप दबाते हैं तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट बनते हैं इस तरह से। अब 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, और इसमें डालेंगे अब जीरा, अब ये जीरे में अगर सूखे मसाले डालोगे तो वो तो मसाले जल जाएंगे ना, तो सूखा मसाला कभी भी जीरे में डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। और जले हुए मसाले का आप जानते हो टेस्ट कितना गंदा आता है सब्जी में। प्याज वगैरह डालें तो सूखे डाल सकते हैं, पर जीरे में सूखा मसाला नहीं डलता, इसलिए घोल के ही डालना चाहिए। कोई भी सब्जी आप बनाओ जीरे से तो मसाले को हमेशा घोल कर ही डालना। अब जिस कटोरी में घोला था थोड़ा सा उसमें पानी लेके और डाल दिया है ताकि मसाला उसमें रह ना जाए। और ये जल्दी भुन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब मुश्किल से 1-2 मिनट लगते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, ये 1 टीस्पून डाला है, और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अगर आपको थोड़े खट्टे ज़्यादा पसंद है तो अमचूर पाउडर और डाल सकते हैं आप। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चने, इसका पानी निकाल दिया है, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं निकालना पड़ा क्योंकि हमने थोड़ा सा ही पानी डाला था चने के लेवल का। कुकर में जहाँ तक चने आए बस वहाँ तक आप पानी डाल दीजिए तो परफेक्ट रहेगा, आपको पानी निकालना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का जो टेस्ट है मुझे सूखे चनों में काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं।
तो ये देखिए, इन चनों को आप भोग के अलावा वैसे भी आप खा सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स है और काफ़ी हेल्दी होते हैं चने, तो आप जानते ही होंगे, और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं इस तरह से। तो माता रानी के चनों का भोग हमारा बनके तैयार है। आप इस तरह से इस टिप्स के साथ आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे आपके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।